लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जब कोई गलत व्यक्ति आपदा को अवसर में बदलने की ठान लेता है तो कुछ ऐसा मामला निकलकर सामने आता है जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्वारंटाइन सेंटर में 28 दिन में 84 डॉक्टर्स का खाने का बिल 50 लाख रुपए आया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के दौरान इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए हैं। राज्य के अलीगढ़ में क्वारंटाइन के दौरान 28 दिन में 84 डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए का भोजन उड़ा दिया। प्रशासन ने फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी है और बिलों का भुगतान करने से मना कर दिया है। फिलहाल प्रशासन की नजर में ये मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भयंकर हड़कंप मच गया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने शासनादेश का हवाला देते खाने के बिल का भुगतान करने से मना कर दिया है। खबरों के मुताबिक जिला प्रशासन के जरिए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे को जब बिल भेजा गया तो वो बिल देखकर हैरान रह गए। साथ ही उन्होंने शासन का हवाला देते हुए बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही भविष्य में 50 रुपए डाइट के हिसाब से ही बिल का भुगतान करने की बात कही है। होटल संचालकों का कहना है कि वो बिजली बिल से लेकर होटल स्टाफ को रेगुलर सैलरी दे रहे हैं। जिला प्रशासन के जरिए शहर के 4 होटल पाम ट्री विकास होटल खुलवाए गए थे जिसमें डॉक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया था। शहर के चारों होटलों में 28 दिन 84 डॉक्टर्स को रोका गया था जिसका 50 लाख रुपए प्रशासन पर बकाया है। इसके साथ ही होटल संचालकों ने बताया कि मार्च से अभी तक जिला प्रशासन ने बकाया नहीं दिया है। गौरतलब हो कि अलीगढ़ में कोरोना का प्रकोप शुरू होने पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लखनऊ एवं अन्य स्थानों से डॉक्टरों की टीम बुलाई गई थी। मार्च के महीने में आए डॉक्टरों को महानगर के होटलों में क्वारंटाइन किया गया था। पहले बैच में आए 42 डॉक्टरों को 20 मार्च को होटल पाम ट्री एवं विकास होटल में 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया था। इसके बाद अगले बैच के 42 डॉक्टरों को होटल गैलेक्सी एवं होटल अली इन में ठहराया गया था। 28 दिन की अवधि में डॉक्टरों के खाने पीने से लेकर होटल में रहने तक का बिल 50 लाख रुपए सामने आया है। इसके हिसाब से देखा जाए तो हर एक डॉक्टर द्वारा प्रतिदिन 2,126 रुपए का खर्चा किया गया है। इस बिल को देखते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। अब इस बिल के भुगतान को लेकर JNMC स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में ठनी हुई है।